दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएमई मोबाइल टूल यानी ईएमटी टूल, ये टूल जो है विदाउट डोंगल काम करता है। बिना डोंगल का ये टूल एक्टिवेट होता है, रजिस्टर होता है। और कैसे इसे रजिस्टर करना है, कैसे आपको इसे यूज करना है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और क्या इसका फ्यूचर है और ये टूल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो देखने के बाद ही आप तय करें कि इस टूल को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टूल जो है बिना डोंगल का काम करता है। और इसकी टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है मीडिया फायर का, ठीक है। तो जो भी लिंक पे आप डाउनलोड करना चाहें, जिस लिंक से, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इस टूल को। और डाउनलोड करने के बाद इस टूल को आपको जो है रजिस्टर करना होगा पहले इसी की वेबसाइट पर। और इसकी वेबसाइट पर जब आप रजिस्टर करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे, उसी यूजर नेम पासवर्ड से आपको इस टूल में लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस टूल को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा यानी कि रिसेलर से, ठीक है। अगर आपको इसे एक्टिवेट करवाना है आप इसे हमसे जो है एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो क्या फ्यूचर है, क्या है, सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। सबसे पहले आप इस टूल को देख लें। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये यूजर नेम पासवर्ड आपको जो है इसकी वेबसाइट पर रजिस्टर करके मिलेगा, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पर अगर आप रजिस्टर करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड आपका वहां पे बनता है, वो यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे यूज करके इस टूल में लॉग इन कर सकते हैं। और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको इस टूल को जो है एक्टिवेट करवाना पड़ेगा रिसेलर से। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट पर रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे नीचे में जो है यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो यूजर नेम आप यहाँ पे अपना चॉइस यूजर नेम आप यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे आप पासवर्ड जो है अपना मनपसंद का डाल सकते हैं। तो जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी डालना होगा और यहाँ पे कुछ नंबर ये बगल में लिखा हुआ है, ये नंबर आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है रजिस्टर हो जाएगा और यूजर नेम पासवर्ड आपका जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी यूजर नेम पासवर्ड से आप इस टूल में यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। और लॉग इन करने के बाद आपको जो यहाँ पे लॉग इन डायरेक्ट नहीं होगा, पहले आपको इस टूल को रिसेलर से एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, जिसका प्राइस है कम से कम 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए जो है आपका इस टूल को एक्टिवेट करवाने में इसका प्राइस है। तो 5,000 रुपए खर्च होगा आपका। और इसमें क्या फीचर है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ये टूल जब निकला था मार्केट में, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कॉल किया था कि आप इस टूल का वीडियो बनाइए और इस टूल को आप बेचिए, ठीक है। तो जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा क्या इस टूल का फीचर क्या है, इस टूल में क्या क्या होगा, ठीक है, कौन कौन से मोबाइल इसमें अनलॉक होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें जो है प्राइवेसी लॉक जो है अनलॉक होगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या इसमें पिन लॉक, पैटर्न लॉक, गूगल अकाउंट, एफआरपी जैसे लॉक क्या इसमें अनलॉक होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है ये अनलॉक होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें प्राइवेसी लॉक अनलॉक होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टूल में जो है 5,000 रुपए अगर आप खर्च करते हैं, तो 5,000 रुपए खर्च करने के बाद भी आप इसमें गूगल अकाउंट, पिन लॉक, पैटर्न लॉक को अनलॉक नहीं कर सकते हैं रियलमी ओप्पो के फोन को। बाकी फोन जो है Xiaomi का है या कोई और कंपनी का, कोई और ब्रांड का है, उसे आप मेडिकल से, UMT से, MRT से आप जो है उसका पिन, पैटर्न, FRP निकालते हैं। लेकिन हमें जरूरत है ओप्पो रियलमी का, ठीक है। लेकिन ओप्पो रियलमी में ये सिर्फ प्राइवेसी लॉक ही सपोर्ट है, ठीक है। पिन, पैटर्न और गूगल अकाउंट, FRP लॉक जो है इस टूल में जो है रियलमी ओप्पो के फोन का जो है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें, तो ऐसे में इस टूल को एक्टिवेट करवाना बिल्कुल अपना पैसा जो है बर्बाद करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।